बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं अज़र रब्बानी, कुकिंग विद रब्बानी में एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। वीवर्स, आज मैं आपको पेशावरी स्टाइल के ज़बरदस्त किस्म के मज़ेदार किस्म के चप्पल कबाब बनाने की रेसिपी दूंगा। बहुत आसान है और बहुत मज़े के बनते हैं। मैंने तकरीबन 600 ग्राम मैंने कीमा लिया है, उसके साथ 150 ग्राम मैंने इसके अंदर चर्बी ले ली है। उनको मैंने मिक्स करके दो दफ़ा मैंने इसका कीमा करवा लिया है और बहुत अच्छे तरीके से मैंने इसको वॉश करके मैंने इसको सुखा लिया है। अभी इस वक्त ये बिल्कुल ड्राई है। चप्पल कबाब की किसी भी इंग्रेडिएंट में आपने कोशिश करना है कि उसमें पानी ना हो, नहीं अगर पानी होगा तो वो कबाब टूटने का डर होगा। और चर्बी भी मैंने इसीलिए डलवाई है कि ये हमारे बाइंडिंग के काम आएगी, चप्पल कबाब इसके साथ टूटेंगे नहीं। बहुत ज़बरदस्त रेसिपी है। इसके अंदर मैं अब जो जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो मैं डालता जा रहा हूँ और आपको साथ साथ बताता जा रहा हूँ। मैंने एक टेबलस्पून चिली फ्लेक्स ले ली है, वो मैं इसके अंदर ऐड कर रहा हूँ। उसके साथ ही मैं एक टीस्पून मैंने हल्दी ली है, वो मैं ऐड कर रहा हूँ। उसके साथ ही मैंने एक टेबलस्पून जो है मैंने कुटा हुआ ज़ीरा ले ली है, कुटा हुआ धनिया ले ली है। इसको मैंने अच्छे तरीके से क्रश कर लिया है, मैंने इसका पाउडर नहीं लिया। उसके साथ ही मैंने हाफ़ टी स्पून गर्म मसाला है और हाफ़ टी स्पून मेरे पास सफ़ेद ज़ीरा है। सफ़ेद ज़ीरे को मैंने तवे पे अच्छी तरीके से भून लिया और उसका पाउडर बना लिया है। उसके बाद मैं इसके अंदर एक टेबल स्पून मैं जो है अनारदाना का पाउडर डाल रहा हूँ। आप इसकी जगह पे मैंगो पाउडर भी ऐड कर सकते हैं अगर आपके पास ना हो। मैं साबुत अनारदाना इसलिए नहीं डाल रहा क्योंकि वो फिर बाद में जाके दांतों में फंस जाता है। उसके बाद मैं एक टी स्पून मैंने नमक डाल लिया है। उसके साथ ही मैं हाफ़ टी स्पून काली मिर्च डालूंगा और इसको मैं अच्छे तरीके से मिक्स कर लूंगा। उसके बाद फिर बाकी इंग्रेडिएंट्स भी मैं डालूंगा। वीवर्स, हमने इसके अंदर जो मसाले डाले थे वो मैंने अच्छे तरीके से इसके अंदर मिक्स कर ली हैं। मैं स्टेप बाय स्टेप चीज़ें डाल रहा हूँ और साथ साथ मिक्स कर रहा हूँ ताकि इसकी मिक्सिंग बहुत अच्छे तरीके से हो जाए। तो अब मैं इसके अंदर दो दरमियाने साइज़ के मैंने प्याज लिए हैं, उनको अच्छे तरीके से चॉप कर लिया और उसके अंदर जो पानी था वो मैंने निकाल लिया है। कोशिश की है कि जितना ड्राई कर सकता हूँ प्याज़ों को उतना ड्राई हो जाए तो वो ज़्यादा अच्छा है। उसके साथ ही मैंने एक दरमियाने साइज़ का टमाटर लिया है, वो भी मैंने अच्छा तरीके से चॉप करके उसके अंदर ऐड कर लिया है। उसके साथ ही मैं अब ले रहा हूँ अदरक लहसुन का पेस्ट। एक टेबल स्पून मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट लिया, बहुत अच्छे तरीके से मैंने इसको चॉप करके इसका पेस्ट बना लिया था। उसके साथ मैंने दो से तीन सब्ज़ मिर्चें लिए और बहुत ही बारीक चॉप करके मैं अब वो इसके अंदर डाल रहा हूँ। उसके साथ मैंने तकरीबन हाफ कप के करीब मैंने धनिया लेके उसको अच्छे तरीके से चॉप कर लिया है, वो मैं इसके अंदर ऐड कर रहा हूँ। उसके साथ ही मैंने चार टेबल स्पून जो है मैंने बेसन लिया था, उसको अच्छे तरीके से मैंने तवे पे भुना है और भुना हुआ मैं बेसन इसके अंदर ऐड कर रहा हूँ। उसके साथ ही मैंने एक कच्चा अंडा ले लिया है, वो मैं इसके अंदर मिक्स करूँगा और इसको बहुत अच्छे तरीके से हम आपस में मिक्स करेंगे। और साथ ही एक इंग्रेडिएंट रह गया, वो मैं फिर बाद में ऐड करूँगा, फिर आपको मैं साथ दिखाता हूँ। वीवर्स, मैंने जितने भी इंग्रेडिएंट्स आपको बताए हैं अल्हम्दुलिल्लाह वो मैंने बहुत अच्छे तरीके से इसके अंदर मिक्स कर लिए हैं, बहुत अच्छे तरीके से मिक्स हो गए हैं। अब इस अच्छा यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, जो मैंने बेसन डाला है भुना हुआ वो इसलिए मैंने डाला है ताकि मेरे कबाब मज़ीद ना टूटे। पहले मैंने थोड़ी सी चर्बी आपको बताया था, मैंने 20% कीमे में ऐड करवा ली थी और उसके बाद अभी मैंने चार चम्मच जो मैंने बेसन डाला है वो भी इसलिए डाला है ताकि हमारे कबाब टूटे नहीं। बेसिकली ये हमारे कबाबों की बाइंडिंग में काम आता है। और अब स्टेज के ऊपर मैंने दो अंडों का एक ऑमलेट बना लिया है, कच्चा पक्का सा। मैंने इतना ज़्यादा उसको अच्छे तरीके से फ्राई नहीं किया और ना ही इसके अंदर मैंने कोई स्पाइसेस डाले हैं, यानी कि ना मैंने कोई नमक मिर्च भी मैंने इसके अंदर ऐड नहीं की। और इसको मैं अच्छे तरीके से अभी मैं तोड़ लेता हूँ और इसको मैं इसके अंदर अच्छे तरीके से मिक्स कर लूँगा और इससे भी हमारे कबाबों की जो लुक है वो बहुत ज़बरदस्त आएगी और इसका एक अपना ही टेस्ट कबाबों में आता है। तो चले मैं इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेता हूँ और मिक्स करने के बाद मैं इसको तकरीबन आधा घंटा जो है मैं इसको रखूँगा, उसके बाद हम लोग इसके कबाब तैयार करेंगे। और इस स्टेज पे मैं एक छोटी सी आपसे रिक्वेस्ट कर लूँ कि जिन लोगों ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोज़ को देखें, मेरी वीडियोज़ को लाइक करें और अगर मेरी आपको रेसिपीज़ पसंद आती हैं तो मेरी रेसिपीज़ के बारे में मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। और जिन लोगों ने अभी मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लिया उनका मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। तो चलें आए इसकी अच्छा सा इसको मिक्स कर लेते हैं और उसके बाद मैं इसको तकरीबन आधा घंटा रखूँगा और उसके बाद मैं इनको फ्राई करूँगा।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वीवर्स, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मिक्सचर को आधा घंटा हो गया है रखे हुए और अच्छे तरीके से वो मैरिनेट हो गया है। तो चले आए चप्पल कबाब बनाने का प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। वीवर्स, मैंने साथ थोड़ा सा ठंडा पानी रख लिया है और उसके अंदर मैं हार्ड डिप करूंगा और कबाब बनाना अपने स्टार्ट कर दूंगा। बहुत ज़बरदस्त शेप आएगी इंशाल्लाह। साथ ही मैंने अपना पैन पे चूल्हे पे रख लिया है, उसके अंदर मैंने घी डाल लिया और घी को मैंने गर्म करना शुरू कर दिया। अल्हम्दुलिल्लाह व्यूअर्स, हमने अभी स्टार्ट में अपने 3 चप्पल कबाब बनाए हैं। इनको पहले फ्राई करते हैं और फिर साथ साथ बाकी चप्पल कबाब भी बना लेंगे इंशाल्लाह। व्यूअर्स, हमारा घी गर्म हो चुका है और अब हम इसके अंदर चप्पल कबाब डालेंगे और उसको फ्राई करेंगे। लुक भी बहुत अच्छी आ रही है कबाबों की। व्यूअर्स, एक साइड से हमारे कबाब अल्हम्दुलिल्लाह तैयार हो गए हैं, साइड मैंने चेंज कर ली है। अब दूसरी साइड से भी तैयार होते हैं तो मैं आपको सर्विंग पैन में निकाल के, सर्विंग प्लेट में निकाल के दिखाता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह व्यूअर्स, मैंने अपने कबाबों की साइड चेंज कर ली है, बहुत ज़बरदस्त कलर आ गया कबाबों का। कबाब मेरे ऑलमोस्ट रेडी हो गए हैं, अब मैं इनको सर्विंग प्लेट में निकालता हूँ और फिर सर्व करके आपको दिखाता हूँ। व्यूअर्स, हमारे कबाब रेडी हो गए हैं और अब मैं इनको टेस्ट कर लेता हूँ कि किस तरह के बने हैं। बहुत ज़बरदस्त है, हमारी मिंट सॉस भी रेडी है। एक मैंने अलहदा से सिर्फ उसका टेस्ट किया है और अब सॉस के साथ लगा के भी इसको मैं टेस्ट कर लेता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह व्यूअर्स, बहुत मज़े के और बहुत ही यम्मी किस्म के मेरे कबाब बने हैं। आप लोग लाजमी इसको ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएंगे। आखिर में इजाज़त चाहता हूँ, दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।